नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो से शुरू हो रही है बिहार सिविल्स पे एक नई सीरीज। जी हां, और ये है बिहार करेंट अफेयर्स। तो हम आपको पूरे साल प्रोवाइड करते ही थे, अब साथ में आपको नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी प्रोवाइड करने, यानी कि डबल वैल्यू एडिशन, इसको कहेंगे डबल वैल्यू एडिशन। यानी कि पूरा साल आपको बिहार करेंट अफेयर्स में प्रोवाइड कर रहा था, इसमें हमने एक और ऐड कर दिया कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, मतलब कि बिहार देश और दुनिया सब की खबरें हम एक साथ में पढ़ लेंगे। क्योंकि सिर्फ जो बीपीएससी एग्ज़ाम्स हो, बिहार का सीडीपीओ हो, बिहार एसआई हो, बीएसएससी हो, ये सब एग्ज़ाम्स में सिर्फ बिहार से नहीं आते, बल्कि मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स का होता है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा सीरीज साथ में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, बहुत ही प्यार से मैं इस सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही सोच समझ के इसको मैं आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्लानिंग कर रखा है। और इसका देख पाओगे, ये जो फॉर्मेट होगा बिल्कुल बीपीएससी के आधार पे होगा। बीपीएससी प्रीलिम्स में जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उस आधार पे ये इसका फॉर्मेट होगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है ये सीरीज़, डेली फॉलो कीजिएगा। डेली सुबह मॉर्निंग में ये आपको सीरीज़ मिलेगा ये पूरा वीडियो। ठीक है, तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है 21 नवंबर 2021 से, पहला दिन। और ये फॉर्मेट जिस तरह से आप देख पाओगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया होगा। और देखिए, मज़ा तभी है यानी और बेनिफिट तभी आपको होगा जब आप डेली फॉलो करोगे। क्योंकि आप कोई भी पढ़ाई करो, किसी भी चीज़ की पढ़ाई करो, आप अगर डेली 15 मिनट भी पढ़ाई करते हो, लेकिन डेली करते हो, कंटिन्यूसली करते हो, तो वो आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आप डेली नहीं करते, एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, तो इस तरह से आपका जो है वो कोई बेनिफिट होता नहीं है, सिर्फ वो ऐसे ही चला जाता है सब कुछ पढ़ा हुआ। ठीक है, तो रेगुलर फॉलो कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। सो पहला सवाल, बिहार हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप फॉर द फार्मर्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो बिहार ने किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सा ऐप है? ये ऐप है बिहान। जी हाँ, बिहान, आप समझ रहे होगे मैं हिंदी भोजपुरी सॉरी भोजपुरी और मगही का बात मैं करूँ तो हिंदी का बिहान का मतलब हो जाता है सुबह। ठीक है, मॉर्निंग। और शायद मैथिली में बोला जाता है कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मगही और भोजपुरी में बोला जाता है बिहान। ठीक है, तो ये बिहान नाम का ये ऐप लॉन्च किया गया है ताकि फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचा सके, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया जा सके। जैसे कुछ स्कीम्स निकला खेती से रिलेटेड सरकार ने, बिहार सरकार ने निकाली, तो वो डायरेक्ट आप उसका इंफॉर्मेशन जो है बिहान ऐप पर मिल जाएगा। जैसे किस पंचायत में किस तरह की फसल लग रही है, कहाँ खेती हो रही है, किस तरह का फसल हो रही है, वो सब का डेटा जो है बिहान ऐप पर अवेलेबल होगा। खेती बाड़ी से संबंधित जो भी गुर सिखाए जाते हैं वो सब सीख सकते हैं, जो किसान अगर सीखना चाहते हैं, जैसे क्लाइमेट के रिलेटेड ये सब चीज़ें, वो किसान सब बिहान ऐप पर सीख पाएंगे, तो ये भी बेनिफिट है। अच्छा, इसको बिहार में लॉन्च किसने किया है, ये भी एक सवाल हो सकता है। तो बिहान जो ऐप है इसको बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। कौन है अभी बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर? तो अमरेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसको लॉन्च किया है। बिहार की बात करें तो बिहार में हाल फिलहाल में काफ़ी ऐप्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे हो गया हिट ऐप, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप कोविड 19 पेशेंट्स के लिए है, आप समझ पाओगे। फिर लॉन्च किया है बिहार सरकार ने संजीवनी ऐप या पोर्टल कहें, यह टेलीमेडिसिन के लिए है कि दूर बैठे ही, मतलब गांव के में जो लोग हैं उनको एक बढ़िया डॉक्टर एक शहर में बैठा डॉक्टर ही परामर्श दे सकता है ई संजीवनी ऐप के थ्रू। फिर बिहार सरकार ने अश्विन
पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो आशा फैसिलिटेटर हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको रेगुलर पेमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, वंडर ऐप लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। ये किस लिए लॉन्च किया है? तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये वंडर ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार सरकार ने 102 एमरजेंसी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, 102 एमरजेंसी बिहार नाम का ये ऐप है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इंद्र वज्र लॉन्च किया है, इंद्र वज्र ऐप लॉन्च किया है। इंद्र वज्र ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है, जो ठनका ठनकता है उससे बचने के लिए। ये करीबन 1 किलोमीटर के दायरे में अगर गिरता है तो वो ऐप से बता देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। स्टेप ऐप भी लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। बिहार पुलिस ने चक्रा ऐप लॉन्च किया है, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू गिव जस्ट ए टीका अवार्ड टू द डॉक्टर्स एंड अदर्स हेल्थ वर्कर्स फॉर दियर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कोविड-19 वैक्सीनेशन। किस राज्य ने डॉक्टरों और अन्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 टीकाकरण में उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जस्ट ने टीका पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये कौन सी सरकार है? ये बिहार गवर्नमेंट है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, बिहार की बात हो रही है तो बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क है एक ही, वही टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये है कहाँ पे? तो बिहार का वेस्ट चंपारण जिला है, वहाँ पे है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो टाइगर रिजर्व है उसको क्या बोला जाता है बिहार के? VTR, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार का एकमात्र। और यहाँ पे आपसे एक मैं सवाल पूछूँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट। बताइए कि पूरे देश में कितने, चलिए मैं बता देता हूँ, पूरे देश में अब तक 53 है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 53 टाइगर रिजर्व है। आपको बताना है कि 53वां जो टाइगर था, टाइगर रिजर्व है, वो कौन सा टाइगर रिजर्व है और वो कहाँ है? कमेंट भी लिखिए और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। नेक्स्ट सवाल है, रिसेंटली बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO हैज़ रिसीव्ड दी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सर्टिफिकेट फॉर कंस्ट्रक्टिंग एट। तो कहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब बहुत सबसे हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए BRO जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो लद्दाख में। जी हाँ, लद्दाख में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और लद्दाख में कितने ऊंचे पर मोटरेबल रोड इसने बनाया है? 19,024 फीट, 19,024 फीट ऊंचा पर मोटरेबल, जहाँ जहाँ गाड़ी चल सकती है, मोटरेबल रोड बनाया है। सबसे ऊंचा, दुनिया का ये सबसे ऊंचा रोड बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये कहाँ, किस पास में बनाया गया है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लद्दाख में है उमलिंगला पास, दर्रा, उमलिंगला दर्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है अभी प्रेजेंट में। तो यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो कौन है अभी? वो हैं RK माथुर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लद्दाख में ही आपको मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क, बहुत इम्पोर्टेंट, जो कि जाना जाता है पूरी दुनिया में स्नो लेपर्ड्स के लिए। ठीक है, तो ये सब भी याद रखिएगा। और ये जो हेमिस नेशनल पार्क हम यहाँ है ना, ये और एक चीज़ और यहाँ पे लद्दाख से आप देख सकते हैं, लद्दाख बहुत इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में, लद्दाख से दो डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख में, कौन कौन सा? कारगिल और लेह। अच्छा, जो कारगिल है ना, यहाँ पे दुनिया का नहीं कह सकते, यानी कि इंडिया का, हाँ, इंडिया का सबसे ठंडा, कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट प्लेस है, उसका नाम क्या है? द्रास।
ये द्रास, ये इसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, वो सिर्फ हॉट नहीं होता है, जब बलवाय नहीं होता है, बल्कि ठंडा वाला भी डेजर्ट होता है। तो ये कोल्ड डेजर्ट में आता है द्रास, जो जगह है लद्दाख का, सबसे ठंडा जगह है देश का। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। जी हाँ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, ये जो है किसने लॉन्च किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पीयूष गोयल ने। अच्छा, पीयूष गोयल के पास ये कौन से मिनिस्टर हैं? तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़, ये जो म्यूज़ियम बनाया गया है, भारत का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूज़ियम, ये किन दो ऑर्गेनाइजेशन के मिलने से बनाया गया है? तो FCI प्लस VITM। क्या हुआ? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और विश्वेश्वराया इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलुरु के साथ, ये दोनों ने मिलकर इस म्यूजियम को तैयार किया है। और देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ऐड करूँ कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, इसका जो पहला ऑफिस था ना, वो कर्नाटक में ही था, ठीक है। कर्नाटक का जो थंजावुर जगह है, थंजावुर जगह जहाँ जहाँ पे ये पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया है, तमिलनाडु में, सॉरी कर्नाटक में बोल रहा हूँ, तमिलनाडु में ही, तमिलनाडु का ये जगह है थंजावुर, यहीं पे ये पहला ऑफिस खोला गया था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। और साथ में ये भी जो फूड सिक्योरिटी म्यूजियम है, ये भी यहीं पे खोला गया है थंजावुर में। तो इसको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, तमिलनाडु में ही ना एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क, जी हाँ, पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका नाम है एयरलास, ALIRLAS, ये इसका नाम है, एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंसेस। विच बैंक हैज़ लॉन्च दिस सेकेंड एडिशन ऑफ मुंह बंद रखो कैंपेन? इस कैंपेन का नाम है मुंह बंद रखो। तो किस बैंक ने ये लॉन्च किया है? एक्चुअली ये फ्रॉड से बचाने के लिए, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कोई भी आपको कॉल वॉल करता है, पिन नंबर वगैरह मांगता है, तो आप इससे मुंह बंद रखें, ये बैंक कह रहा है। ये बैंक कौन सा है? HDFC। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसने ये जो कैंपेन लॉन्च किया है, ये एक अवेयरनेस वीक, यानी इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक को सपोर्ट करने के लिए। इंटरनेशनल अवेयरनेस फ्रॉड वीक कब से कब मनाया जाता है? नवंबर 14 टू नवंबर 20 को मनाया गया है 2021 में। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द द्वारे राशन स्कीम? किस राज्य सरकार ने द्वारे राशन योजना का उद्घाटन किया है? मतलब कि जो राशन है एकदम से द्वार पर पहुंचाएगा, दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी, ठीक है। ममता बनर्जी ने एक साथ में एक और चीज़ लॉन्च किया, ऐप लॉन्च किया है, उसके थ्रू ये करेगा, खाद्य साथी, ठीक है। खाद्य साथी ये रहेगा, अमार राशन मोबाइल ऐप इसका ये नाम रहे है। खाद्य साथी आप रखेगा याद, तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ये जो योजना है ना, द्वारे राशन स्कीम, इस पर 160 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये याद रखिएगा। एबी डिविलियर्स अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो एबी डिविलियर्स काफ़ी बढ़िया क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर ली, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं साउथ अफ्रीका के, जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने अभी तक
114 टेस्ट मैचेज इन्होंने खेले हैं और 228 ओडीआईस खेले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिकल सेल मिशन एंड राशन आपके ग्राम हैव बिन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी इन। तो किस राज्य में पीएम मोदी ने सिकल सेल मिशन और राशन आपके ग्राम ये जो स्कीम दो है वो लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिकल सेल मिशन क्या है? देखिए सिकल सेल मिशन क्या यानी कि एक बीमारी है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया से जो लोग सफर जो पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया से जो पीड़ित हैं, एक तरह से हेमोग्लोबिनोपैथी एक बीमारी होती है उसके कैटेगरी में ये आता है। हेमोग्लोबिनोपैथी मतलब खून से रिलेटेड जो होती है, जैसे थैलेसीमिया में ब्लड जो है रुकता नहीं है, वो हमेशा बहते रहता है थैलेसीमिया में, तो इसी तरह से ये इसी ब्लड से रिलेटेड जो भी बीमारी है उस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको स्क्रीनिंग करने का, उनको मैनेज करने का, ताकि उनके उनको उन उन पेशेंट्स को एक्चुअली बेनिफिट पहुंचाया जाए और उन्हें ठीक करने का कुछ काम किया जाए। तो ये है सिकल सेल मिशन और ये मध्य प्रदेश में काफ़ी फैला हुआ है, तो इस चीज़ से वहाँ पे ये लॉन्च किया गया। और दूसरा तो आप समझ ही रहे हो राशन आपके ग्राम, अभी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने राशन आपके आपके द्वारे जो है तो वो द्वार तक पहुँचाएँगे और मध्य प्रदेश सरकार में जो है राशन गाँव तक पहुँचाएँगे। तो ये चीज़ें हैं आप समझ पाओगे। और देखिए मध्य प्रदेश में पीएम मोदी जब ये जो स्कीम लॉन्च कर रहे थे ना उस वक्त उन्होंने एक और चीज़ की अनाउंसमेंट करी 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर को मनाया जाएगा क्या? तो 15 नवंबर को मनाया जाएगा जन जातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस या फिर बोल सकते हैं ट्राइबल गौरव दिवस, ये मनाया जाएगा 15 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, और बिरसा मुंडा आपको पता होगा ये रिगार्ड किए जाते हैं एज अ गॉड, भगवान की तरह ट्राइबल लोग इन्हें मानते हैं बिरसा मुंडा को, तो इसलिए ये जनजातीय गौरव दिवस पीएम मोदी ने अनाउंस किया है 15 नवंबर को मनाने का, तो ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द 2021 ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूची में भारत की रैंक मतलब रिश्वत लेने का कितना रिस्क है इस सर्वे में निकाला जाता है, तो इसमें भारत का क्या रैंक रहा है? तो ऑब्वियसली ख़राब रहा है, 82nd रहा है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम 82वें पोजिशन पे हैं यानी कि हमारे पास जो है रिस्क है घूस का, ज़्यादातर रिस्क कि लोग घूस यहाँ पे लेते हैं, तो ये रिस्क है। कौन सी कंट्री है जहाँ पे बहुत ही लोवेस्ट रिस्क है ब्राइबरी का? वो रहा डेनमार्क, सबसे ज़्यादा फिर नॉर्वे, यही सब कंट्री। देखिए ज़्यादातर अगर कभी एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो ना तो ज़्यादातर जो बढ़िया वाली जो रैंकिंग होती है ना तो इन्हीं कंट्रीज़ की रहती है, मोस्टली नॉर्वे आपका रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सब बहुत ही खुशहाल देश है, छोटा देश है मगर बहुत ही खुशी से रहता है, हर चीज़ इन लोगों का बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में है। ठीक है, जनसंख्या भी बहुत कम है तो ये भी आप समझ सकते हैं। फिर स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, ये सब इस रैंकिंग की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये लोग जो है ब्राइबरी रिस्क में बहुत ही कम मतलब कि लोएस्ट रिस्क है इन लोग के पास, तो ये ध्यान रखनी है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ ऑर्गेनाइज द राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व इन विच सिटी। तो रक्षा मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया है? तो ये किया गया है झांसी सिटी में, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। झांसी जो कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ की फेमस है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का भी बर्थडे था 19 नवंबर को। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी था आप कह सकते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, ये 17 नवंबर से 19 नवंबर तक ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और झांसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और रानी लक्ष्मीबाई को तो आपको पता ही होगा कि सॉरी 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है ये रानी लक्ष्मीबाई का। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। तो इस किताब के लेखक कौन है? द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। अच्छा, पहली बात, विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं कौन? तो ये थे हमारे 8वें प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे 8वें प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिएगा, पीएम मोदी कौन कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, कमेंट में लिखिए। तो इसको, इस बुक को किसने लिखा है? देवाशीष मुखर्जी ने लिखा है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड टिल विच ईयर। तो भारत को किस वर्ष तक यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया है? तो किस वर्ष तक इस चुना गया है? तो 2025 तक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और यूनेस्को, इसका हेड क्वार्टर आपको मिल जाएगा पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और यूनेस्को के लिस्ट में हाल ही में भारत के एक दो सिटी जैसे धोलावीरा है, धोलावीरा को शामिल किया गया है गुजरात में जो है। और एक रमप्पा टेम्पल है तमिलनाडु का, रमप्पा टेम्पल, इसको भी यूनेस्को लिस्ट में इसी साल 2021 में शामिल किया गया है। तो याद रखनी है। अच्छा, हेड कौन है अभी यूनेस्को के? ऑड्री अजौले। तो ये रहा 21 नवंबर 2021 का बिहार करंट अफेयर्स विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।